हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड और अगर हम यहाँ पर बात करें कल की डेट की तो कल यहाँ पर दो वीडियो हमने यहाँ पर बनाई थी और जो भी हमने यहाँ वीडियो बनाई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें होती हुई नजर आई है तो जाके इन वीडियो को देखिए एज वेल एज हम अगर बात करें आज के दिन की तो आज यहाँ पर एस कार्ड से रिलेटेड हम बातें करेंगे हम बात करेंगे एस कार्ड में क्यों एक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है देखिए ये एस बी कार्ड क्या कर रहा है हर क्वार्टरली आपको 20 परसेंट के रिटर्न दे रहा है समझ रहे तो हर क्वार्टर में 20 परसेंट के रिटर्न अगर आपको मिल जाए आ, तो यहाँ पर आपके पैसे कितने होते हैं आप खुद समझ लीजिए 20 परसेंट बीस परसेंट बीस परसेंट बीस परसेंट अस्सी परसेंट के रिटर्न हो जाते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जानेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल जो आपका खुद का चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियर एडवाइजर खुद की स्टडी करें और जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें क्योंकि आपका सपोर्ट की वजह से जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उनकी वजह से और जितने यहाँ पर व्यू हमें मिलेंगे उसकी वजह से मन करता है कि और भी अच्छे अच्छी वीडियोज आपके पास लाया जाए और अच्छी अच्छी वीडियोस के थ्रू अच्छी अच्छी नॉलेज आपको दी जाए तो आप वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं जानते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से यहाँ पर मोटिवेशन भी बढ़ता है तो आइए वीडियो की तरफ तो देखिए एस कार्ड्स की अगर हम बात करें तो देखिए ग्यारह सौ पैसठ रुपए पे एक सितंबर को ये शेयर गया था उसके बाद यहाँ पर गिरावट है और लगभग लगभग थाउजेंड रुपीज था। पर ये अब ट्रेड कर रहा है एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है जिसके टेक्निकल से रिलेटेड बातें करेंगे बाद में, अगर आज की में तो सत्तर परसेंट की डिलीवरीज यहां पर आज की डेट में उठाई गई है सत्तर परसेंट की डिलीवरी समझ रहे हैं तो सत्तर की डिलीवरीज काफी बेहतरीन डिलीवरीज मानी जाती है इसके अलावा यहाँ पर केवल यही एक रीजन नहीं है कि इस शेयर से रिलेटेड बातें की जाए इसके पास इसके रिलेटेड बातें करने के पीछे बहुत सारे यहाँ पर मल्टीपल रीजंस है अगर यहाँ पर देखें SBI cards payment in payment servicing engaged in the business of यहाँ पर कई कार्ड के बेस में यहाँ बिजनेस में एज़ वेल एज़ अगर बात करें तो देखिए एक मोनोपोली तो नहीं कहेंगे बट फिर भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट में केवल एक ऐसा स्टॉक यही है जो कि कार्ड्स में यहाँ पर बिजनेस में uh, लिस्टेड कंपनी है एज़ वेल एज़ अगर बात करें इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है यहाँ पर एस बी आई कार्ड्स है पहले एच डी एफ सी है ओके उसके बाद एस बी आई कार्ड्स है एच डी एफ सी फिर भी लाइफ टाइम फ्री कार्ड आपको देता है बट एस बी आई के ही कार्ड्स एक भी यहाँ पर ऐसा कार्ड्स नहीं है जिसका चार्ज ना करता हो यहाँ पर सिक्स हंड्रेड रुपीज हर महीने यहाँ पर चार्ज करता है ये अलग बात है कि अलग अलग ऑफर ये देता रहता है एज वेल एज यहाँ पर अलग अलग ऑफर्स आते रहते हैं जिससे लोग यहाँ पर अट्रैक्टिव होते हैं और जितने अट्रैक्टिव यहाँ पर लोग होंगे ओके okay, उतना ही यहाँ पर ये यह वहां से शॉपिंग करेंगे जैसे ये शॉपिंग करेंगे तो वो पेमेंट गेट वे चार जी एस टी ये

ओके okay, आप कोई भी यहाँ पर कमी नहीं दिख रही इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में आर ओ सी आर ओ ही काफी बेहतरीन है इतनी आर ओ सी आर ओ ही किसी फाइनेंशियल सर्विसेज से जो देता है ऐसे सेक्टर में यहाँ पर मिलना काफी अच्छी बात होती है डेट की बात करें तो डेट यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी का काम ही बोरिंग का है इसके अलावा दस की फेस वैल्यू आगे चल के यहाँ पर स्प्लिट भी मिलेगा डिविडेंड भी मिलेगा सब सब्सिडी यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी इस शेयर की अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें लास्ट ईयर ये शेयर आया था उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट और उसके बाद पैसे यहाँ पर आपके डबल होते हुए यहाँ पर नजर आए इसके अलावा और भी पैरामीटर की बात करें तो सबसे मेन है इसके रिजल्ट तो अगर इसके रिजल्ट की तरफ आप ध्यान देंगे ना तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके से कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर इनके रिजल्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इंक्रीज दिखाई दे रहे हैं अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए दो हजार पांच सौ छिहत्तर करोड़ यहाँ पर कभी भी किसी पिछले इतने क्वार्टर्स की बात करें एक भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू नहीं आया ये इस बार का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है इंटरेस्ट की बात करें वो हाईएस्ट एवर है इसके अलावा एक्सपेंस की बात करें कंपनी के इस बार के एक्सपेंस भी थोड़े से यहाँ पर कटौती जरूर हुई है यहाँ पर एम्प्लॉज कॉस्ट में बट स्टिल यहाँ पर एक्सपेंसिस थोड़े से ज्यादा होते हुए नजर आए बट फिर भी अगर बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट देखिए तीन करोड़ का है ओके इससे पहले यहां पर दो हजार में यहाँ पर आता है दिसंबर 2019 में यहाँ पर, पर सबसे ज्यादा 435 करोड़ का प्रॉफिट आया था ओके okay. बट uh, अगर हम यहाँ पर बात करें इसमें भी एक्सपेंसेस कम होते हुए नजर आए थे ओनली रीजन अदरवाइज ये एक्सपेंसेस uh, भी कम होते हैं, तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती बट स्टिल अगर बात करें ईयरली बेसिस पे यहाँ पर देखे तो दो करोड़ से तीन करोड़ क्वार्टरली बेसिस पे तीन से तीन ये अच्छा खासा नंबर है और उसके बाद शेयर का नीचे आना और नीचे आके यहाँ पर माल भरना और माल भर के यहाँ पर ऑपरेटर का जाना यह एक रणनीति होती है एक एक स्ट्रेटेजी होती है बड़े बड़े लोगों की तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए रिवेन्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिवेन्यू देखिए बढ़ते हुए नजर आ रहे दो हजार चौदह में मार्च में चौदह सौ अड़तीस करोड़ की कंपनी थी दो हजार की कंपनी है और पिछले महीने बारहवे सौ करोड़ रुपए के आसपास का रिवेन्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है एज थाउजेंड थर्टी फाइव करोड़ के प्रॉफिट में पहुंच गया है तो ये एक ग्रोथ को बताता है इसलिए यहाँ पर एक कार्लिल ग्रुप है जो बार बार यहाँ पर शेयर बेचता है और उसकी वजह से शेयर नीचे आ जाता है आपको पता ही है उसने इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में तीन चार साल में इतने पैसे कमाए हैं दो से तीन गुना चार गुना यहाँ पर अपने पैसे को कर लिया है तो इस चीज को थोड़ा समझिए और ये ग्रोथ अभी रुकने वाली नहीं है क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कई कार्ड यहाँ पर ले रहे हैं कई कार्ड लेके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं और जैसे ऐसे स्पेंड उनका होकर जितने ऑब्वियस ही बात है इसी कंपनी को यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा रिजर्व्स की बात करें छः करोड़ का रिजर्व्स है बोरइंग की बात करें उन्नीस करोड़ रुपए की यहाँ पर बोरिंग भी कंपनी के पास है और अच्छी बात है क्योंकि जितना बोरइंग देंगी उतनी यहाँ पर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा इसके अलावा बात करें इन्वेस्टमेंट नौ सौ अट्ठावन करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखी है कैश की बात करें कंपनी के पास सात सौ सत्ताईस करोड़ का कैश है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है हमेशा यहाँ पर नेगेटिव आया बट दो हजार इक्कीस में पहली बार पॉजिटिव यहाँ पर कैश फ्लो है इसके अलावा आर ई की बात करें सेवेंटीन परसेंट का अच्छा खासा आरोगी, आ, आरोगी भी है इसके अलावा बात करते हैं प्रोमोटर्स की तो प्रोमोटर्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री सेवन परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है यहाँ पर इन्होंने बढ़ाई थी इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर कम होती नजर आ रही है बट कोई परेशानी नहीं है एफ की बात करें जो यहाँ पर इन्होंने बेची है एफ ने यहाँ पर खरीद लिया एफ आईज ने यहाँ पर थर्टीन की हिस्सेदारी बढ़ाई है डी की बात करें डी ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है सिक्स से सिक्स नाइन क्योंकि यहाँ पर कार्लिल ग्रुप था उसने यहाँ पर जो सी एर ओवर होल्डिंग है इसने अपनी हिस्सेदारी बेची थी ये डी आई ने खरीद लिया तो यहाँ पर अभी भी बात करें तो 7.86 में से 3.10 अगर आप घटा देंगे तो यहां पर 4.76 परसेंट की हिस्सेदारी है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है और उसमें भी थोड़ी सी हिस्सेदारी रिटेल के पास होगी सारी बड़े लोगों के पास होगी थोड़ी सी समझने की जरूरत है बस और यहां पर अगर बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी की तो अच्छा खासा यहाँ पर शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी तब बताया था लास्ट टाइम हमने यहाँ पर यह शेयर खरीदा था उसके बाद शेयर देखिए यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाया फिर नीचे आया जब यहाँ पर शेयर बेचते हुए नजर आया फिर ऊपर गया फिर यहाँ पर दोबारा नीचे आ गया तो इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ क्यों कह रहा हूं कि हर बार 20 परसेंट के रिटर्न देता है तो यहाँ पर अगर देखेंगे देखिए यहां पर तो एक रैली हो गई अगर किसी ने यहाँ पर खरीदा होगा यहां पर 20 परसेंट के बने होंगे फिर गिरने के बाद यहाँ खरीदा होगा फिर 20 परसेंट के फिर यहां खरीदा होगा दस पंद्रह परसेंट दोबारा खरीदेगा तो फिर 20 के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं साफ तो यहाँ पर अगर साल में इसी तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग इसे ही कहते हैं कि आपको चीजें नीचे खरीदी ऊपर बेचा फिर नीचे खरीदी ऊपर बेचा तो इसे ही स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉग शेयर है कोई बात ही नहीं है इसके बाद यहाँ पर अच्छे स्टॉक

तो आपको पता भी नहीं चलेगा अच्छा खासा लेवल करता अलग अलग टारगेट यहाँ पर नजर आते हैं और यहाँ पर अलग अलग अगर हम यहाँ पर देखें तो चीजें यहाँ पर दो तीन यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनते हुए भी नजर आते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कब हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कब बनाया कप बनाने के बाद यहाँ पर हैंडल बनाया ये ऊपर जाता बट यहाँ पर फेल हो गया फिर यहाँ पर एक कप छोटा कप बनाया सॉरी हैंडल बनाया ये भी यहाँ पर फेल हो गया अब नीचे दोबारा आके शायद ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे और यहाँ पर दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर ए, एक तो यहाँ पर ये ही रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं इसके बाद यहाँ पर जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो भी अच्छे खासे टारगेट है छोटे मोटे टारगेट नहीं है आपके पैसे यहाँ पर अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो ट्वेंटी एट परसेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं अगर हम यहाँ इसे यहाँ पर पोजीशन uh, कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टारगेट कितने आ रहे हैं तो इसके टारगेट लगभग लगभग ये यहाँ पर टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे चौदह सौ के और अभी शेयर चल रहे हजार रुपए का हजार से चौदह सौ रुपए मतलब चार सौ रुपए शेयर बढ़ रहा है और चार सौ रुपए शेयर का बढ़ना मतलब कितने परसेंट के रिटर्न हो गए यहाँ पर उनतालीस परसेंट के रिटर्न हो गए उनतालीस परसेंट के रिटर्न काफी बेहतरीन रिटर्न माने जाते हैं इस बात को याद रखिए इसके अलावा आर की बात करें तो काफी बेहतरीन बत्तीस तैतीस के आर पे चल रहा है एशिया इसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स की और भी चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसकी बात कर लेते हैं एक बार तो यहाँ पर मैं आपको और भी चीजें दिखाना चाहता हूँ कि, कि किस तरीके से ये चार्ट पैटर्न बनते हैं जब ये चार्ट पैटर्न बनते हैं पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट की बात कर रहे थे इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी सपोर्ट पे ये दोबारा यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है तो बार बार इस यही सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और चीजें इसी के बाद ऊपर भागती हुई नजर आ रही है तो यहाँ एक बेहतरीन सपोर्ट है पहली बार इसके अलावा हम अगर हम बात करें तो एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि आपको समझ में आएगा देखिए यहाँ पर अः यहाँ पर डबल बॉटम बनाता हुआ नजर आया डब्लू शेप ओके जब भी डब्लू शेप बनती है तो याद रखिए चीजें भागती हुई नजर आती है बट यहाँ पर फेल होती हुई नजर आई कोई इशू नहीं है ओके चीजें नीचे आई और यहाँ पर फिर देखेंगे तो यहां पर एक छोटा सा डब्ल्यू शेप यहां बनता हुआ नजर आ रहा है तो पहला टारगेट तो यही है और ऐसे डब्ल्यू शेप जब बनते हुए नजर आते हैं तो यहाँ पर टारगेट अचीव होता है धीरे धीरे और एस बी आई कार्ड टाइम के लिए मतलब अपने लॉन्ग टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में भी रखेंगे ना आपको घाटा नहीं देगा आपको प्रॉफिट ही देगा तो यहाँ पर इन बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करे आज आपके सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरीके से आपको लर्निंग देते रहेंगे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस